क्वेश्चन फिफ्टीन देखिए द लाइन्स आर पर पेंडिकुलर ई टू ईच अदर फोर पी इज इक्वल टू ये दोनों लाइन्स न पर पेंडिकुलर हैं तो पी की वैल्यू क्या होगी हम जानते हैं कि अगर दो लाइन्स पर पेंडिकुलर हों तो उनके डी आर्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होता है बट लाइन्स शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन्स क्या है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी यानी एक्स वाई जेड का कॉफिशियंट आपका वन होना चाहिए तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन उस माइनस को नीचे ले आए वाई माइनस वन अपॉन थ्री जेड अपॉन वन अब यहाँ से आप टू कॉमन लेंगे ऊपर से तो ये बन जाएगा टू इंटू एक्स माइनस थ्री बाई टू अपॉन टू पी टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस थ्री बाई टू अपॉन पी y upon minus वन in standard form and z minus फोर upon सेवन तो हमारे पास ये value यहाँ पर आ रही है हम बोलेंगे since both the lines are perpendicular, so दोनों lines जो हैं वो perpendicular हैं तो क्या होगा इनके drs का जो product है वो zero होगा That means minus टू into p प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस सेवन इंटू वन इज इक्वल टू जीरो तो ये हो गया माइनस का टू पी माइनस थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो ये प्लस का फोर हो गया इधर ले आएंगे तो माइनस फोर तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे टू इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आ गई है